नमस्ते साथियों, आप लोगों का यूपीटेट का जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका भाई। हमने खुद 2-4 डाउनलोड किया, आप लोग भी कर लीजिए और हो जाएगा, परेशान होने की बात नहीं इसमें। और जिन बच्चों का बैक है, जो बच्चे बोल रहे हैं सर मेरा फेल लिखा हुआ है 2019 बैच वाले, तो वो कैसे जाएंगे, या भी 2017-2018 बैच वाले, तो आप लोग अपने कॉलेज से अटेस्ट करा लें। अब वहाँ पर यह नहीं चेक करेगा एग्जामिनर या फिर जो वहाँ पर चेक करने वाले होते हैं गेट पर कि आप फेल हैं कि नहीं फेल हैं। अगर इस तरह चेक करने लगा तो बहुत हुआ, फिर बहुत एंट्री दिया हो, है ना, तो ऐसा कुछ चेकिंग वहाँ पे नहीं होगी। आराम से आप जाइए, और होती भी है तो आपके पास तो एडमिट कार्ड है, आपको पेपर देने से मतलब है, वह वैलिड हो या फिर ना हो, है ना। वैलिड तो नहीं होगा, खैर अगर किसी का सेकंड सेमेस्टर और या फिर थर्ड सेमेस्टर तक अगर बैक है तो उसका वैलिड नहीं माना जाएगा, इनवैलिड होगा। और आप लोग जाइएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं एक बार फिर से हम बता देते हैं। अपना जिस भी मतलब जो भी आप आईडी प्रूफ वहाँ पर लगाए हैं वह तो लेकर ही जाएंगे। जैसे आधार कार्ड लगाए हैं तो आधार कार्ड का 2 कॉपी भी एक ले लेंगे साथ में, और अपना एडमिट कार्ड भी ले लेंगे, और प्लस ओरिजिनल एक आईडी प्रूफ जो लगाए होंगे वह, और एक ऐसा ले लेंगे जो कि आपके पास रहे, सुविधा के लिए रहे, जैसे कि बाद में कोई दिक्कत परेशानी ना हो वहाँ पर जाने। एक फ़ोटो ले लेंगे सिंगल, वैसे फ़ोटो का काम तो नहीं है लेकिन एक फ़ोटो ले लेंगे वहाँ पर, क्योंकि अगर हो सकता है भाई तो अगर आपका जो इमेज है धुंधला होगा एडमिट कार्ड पर, आपके अनुसार सही हो सकता है लेकिन वहाँ पर हो सकता है धुंधला हो, तो एग्जामिनर भाई कुछ भी कर सकते हैं, परेशानी वहाँ पर ना झेलना पड़े आपको, इस वजह से एक फ़ोटो लेकर जाएंगे, ठीक है। और रही बात, वहाँ पर एक बाल पेन भी ले लेंगे अपना, ब्लैक बाल पेन जो कि बबलिंग करने के लिए वही यूज आएगा आपका। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो कि कैसे ओमआर सीट भरा जाता है, वह एग्ज़ाम अपडेट के प्लेलिस्ट में हमने डाल दिया है, आ जाएंगे प्लेलिस्ट के, प्लेलिस्ट में एग्ज़ाम अपडेट नाम का एक फाइल है, आपको सारा डाउट वहाँ पर मिल जाएगा। और यही सारी चीज़ ले जानी है, अपना जो मार्कशीट है आपका, अगर मार्कशीट है या फिर आपके पास अगर नहीं मार्कशीट है, जो बच्चे 2019 बैच के होंगे या फिर जो फेल होंगे या फिर जो अभी जिनका 4 सेमेस्टर का अभी रिजल्ट नहीं आया होगा, तो अपना नेट से डाउनलोड किए होंगे और उसको अटेस्ट कराए होंगे, है ना। और जो बच्चे फेल थे वो भी अपना यही काम करेंगे, उनको एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री मिलेगी भाई, ठीक है ना। एडमिट कार्ड क्यों दिया फिर, नहीं देना था तो बताओ, तो आपको अनुमति मिलेगी, वहाँ पर जाएंगे आराम से पेपर दीजिएगा। और सारे क्लासेस ले लीजिए रिविज़न, 24 तारीख को आपका CDP का महामैराथन होगा, है ना, और 24 तारीख को ही और आपके इन्वायरमेंट का भी महामैराथन होगा। वैसे तो हमने सारे क्लासेस ख़त्म कर दिए हैं इन्वायरमेंट के, आप देख सकते हैं CDP थोड़ी बहुत रह गई है, तो उसमें महामैराथन में हम उसको कंप्लीट कर देंगे। मैथ पूरा कंप्लीट है, हिंदी पूरा कंप्लीट है, संस्कृत बचा है, संस्कृत में भी 3-4 वीडियो लाएंगे, एक ही दिन ला देंगे जिससे कि, या फिर एक ही वीडियो में कलेक्शन करके ला देंगे, उसको आप देख सकते हैं, ठीक। इस वीडियो को शेयर करिए, अपनी संख्या बढ़ाइए, बस हम तो यही कहेंगे, तभी DLED वाले बच्चों को फ़ायदा होगा इससे भाई। इतना याद रखना साथी, अपनी संख्या पर ध्यान रखिए, संख्या बढ़ाइए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, रात में ही वीडियो बनाना पड़े तो रात में बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। और बस जाइएगा, अच्छे से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, सभी लोग रख लीजिए, हाँ तुरंत डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि बाद में दिक्कत ना हो, नहीं तो 1-2 हफ्ते जब हो जाते हैं, या फिर 1 हफ्ते तो बचे भी नहीं है, 3-4 दिन के बाद हो सकता है फिर सिस्टम में डिस्कुछ हो जाए भाई, डैमेज हो जाए या फिर कुछ सर्वर वगैरह डाउन हो जाए, तो इस वजह से पहले सचेत रहें, डाउनलोड कर लें। धन्यवाद।